हमारे गांव में आज आप सभी को दिखाता हूँ सुअर फार्म। इसको पालने में किस किस चीज का जरूरत पड़ता है। ये हमारे साथ जो है पप्पू भाई हैं, इनका डीजे भी साउंड है, प्रचलित साउंड है वाले हैं। देखिए कौन नस्ल के इस सुअर? नस्ल मीडियम है, नस्ल मीडियम नस्ल। एक साल में कितना बच्चा मतलब दे देता है लगभग? एक साल में एक सुअर कम से कम 20 बच्चे। 20 बच्चे एक साल में। ये सब देखिए, अभी ये जो है प्रेगनेंसी, और ये प्रेग्नेंट है ना। ये देखिए, ये सुअर पूरा प्रेग्नेंट है। और इधर देखिए, ये डिलीवरी आज हुआ है, ये अभी हो ही रहा है लगभग। देखिए, और इधर देखिए, ये लगभग 10 दिन का बच्चा है लगता है। और इधर देखिए, ये पूरा फार्म है। ये अकेले पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप कौन है यार? देखिए किस तरह से खान बनाया जाता है सुअरों को रहने के लिए। देखिए इधर, ये इधर तैयार है। ये सब सुअर है, नर मादा दोनों है। वो नर के मादा, ये सब नर है, मादा नर है, नर सब नर है। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। एक खान में मतलब एक सुअर रह सकता है? 6-7 गो। इधर देखिए, अभी 4 है। डरता भी है। तो खाना इसमें क्या मिलता है? खाना मक्का का दर्रा, गेहूं दर्रा, सोयाबीन के खल्ली, बादाम के खल्ली। एक सुअर को कम से कम कितना खाना चाहिए दिन भर? दिन भर में 2 केजी कम से कम। 2 केजी देखिए, 2 केजी कम से कम एक सुअर को खाना चाहिए। मक्का का आप दे सकते हैं चूर्ण, या गेहूं का भूसा भी। भूसा नहीं। देखिए ये सब एंगल पर बना हुआ है। एंगल पर कहा है ये सब? जैसे मान ले बच्चा दिए लो, टाइम मेकर में घुसा दे ताकि बच्चा जपे तो ना। अच्छा, इसे बच्चा दे बिल्कुल साइड में हो गलो, बच्चा बैठ लो सुत लो ओ जपे तो ना। अच्छा, बच्चा मतलब साइड हो गया कारण मर तो ना। देखिए ये काफी लगभग लगता है 1-2 दिन में इसका भी प्रेगनेंसी हो जाएगा। ये हाइब्रिड नस्ल का सारा है। ये सब 3 महीने। और कभी बेचे और कुछ? हाँ, पूंजी भर निकाल लेते पहले। देखिए इधर भी लगता है ये बच्चा लोग 10 दिन हो ही गया है। देखिए एक सुअर में लगता है लगभग 2-4 मतलब मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 तक जा सकता है। इतना बनाने में मतलब कितना का खर्च पड़ता है पूंजी वगैरह? 5 लाख 10 लाख? 10 लाख हो जाएगा। देखिए 10 लाख। ये मेरे गांव में पहला सुअर फार्म है, और मुर्गी फार्म पहले कई खुल चुका है लेकिन चला नहीं है।